नमस्कार जैन आप सभी को हार्दिक स्वागत आज के सेशन में फटाफट से एक बार सभी दोस्त शेयर कर दें भाई मन लगा के थोड़ा सा ढंग से है ना हाँ ईमानदारी से एक बार शेयर कर दें स्टेटस लगा दें सभी के सभी अपने सारे के सारे राज... खास तौर से राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को एक बार ये क्लास शेयर कर दें क्योंकि मेन फोकस किसपे किया जा रहा है मेन फोकस किया जा रहा है राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल वर्दी पहनाने के लिए है ना इस पर मेन फोकस किया जा रहा है तो आप सभी के सभी एक बार शेयर कर दे और रीजनिंग में तीसरी क्लास है आज दोस्तों तीसरा सेशन है और तीसरे सेशन में अपन जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक है कैलेंडर ठीक है कैलेंडर टॉपिक पर अपना डिस्कशन चल रहा है दो क्लासेज हो चुकी है दो क्लास में दो कंसेप्ट आपको समझा चुका हूं और आज अपन एक नए कंसेप्ट के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और दोस्तों मैं अपनी तरफ से कोशिश यह कर रहा हूं कि लाइव सेशन में यूट्यूब सेशन में भी आपको कंप्लीट मैटर दिया जाए ताकि कम से कम आपने हम पे विश्वास जताया तो उस विश्वास पर हम खरे उतर सके ठीक है चलिए करें स्टार्ट अगर आप सारे के सारे तैयार है चार मिनट सेशन को डिले हो चुका है चार मिनट बीत चुके हैं अगर सारे के सारे तैयार हो तो फिर करते हैं स्टार्ट बताइए लाइन पहला क्वेश्चन आपके सामने हां बिल्कुल उसके बाद में देखो थ्योरी आपको छोटी मोटी थ्योरी तो समझा चुका हूं है ना बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है सबसे पहली अपनी जो क्लास हुई दोस्तों वो केवल और केवल बेसिक पर हुई थी बेसिक पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कैलेंडर के मेन पर कैलेंडर के मूल पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर के बेसिक पर कैसे कैसे सवाल बनते हैं उसके बारे में अपनी बात हो चुकी कल उसके बचे हुए क्वेश्चन और उसके साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने जो क्लियर किया पंचांग और उसके साथ साथ दो दिन बाद दो दिन पहले इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन हो तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करना है अपन ने उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कशन कर लिया मतलब ये ये हो गया कि कि अपन कह सकते हैं कैलेंडर के अभी तक अपने तीन पूरे हो चुके हैं बेसिक पूरा हो गया पंचांग पूरा हो गया और पंचांग के साथ अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर जो होता है उसका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया जिस पर अपन ने कल लास्ट टाइम पे बात की थी तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट आज का सेशन ये आज आपका पहला सवाल है क्वेश्चन पढ़िए और दीजिए आंसर क्या होगा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के पांच दिन पहले पड़ती है तो आज यदि शुक्रवार है तो इसी महीने की उन्नीस तारीख को कौन सा वार होगा बिल्कुल सिंपल सा सवाल है इजी वे में आराम से आंसर आ जाएगा बताइए क्या होगा इसका आंसर चलिए दोस्तों बताइए आंसर क्या होगा महेंद्र प्रजापत नमस्कार भाई शिवराज गुजर नमस्कार प्रियंका गुड इवनिंग बाबा जी गुड इवनिंग <coughs> क्या आएगा पहले क्वेश्चन का आंसर सुनील जाखड़ नमस्कार भाई यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के पांच दिन पहले पड़ती है तो आज यदि शुक्रवार है तो इसी महीने की उन्नीस तारीख को वार क्या होगा ठीक है बताइए क्या होगा इसका आंसर फटाफट से आंसर दे भाई अभिषेक का आंसर आया डी अभिषेक आंसर दे रहा है डी प्रभु बंजारा गुड इवनिंग भाई बाबाजी गुड इवनिंग बाबा जी का आंसर आ गया डी आरजे इक्कीस राम राम अनिल राम राम त्रिलोक कुमावत का आंसर आ गया डी संदीप चौधरी का आंसर आ गया डी चलिए अब मैं बता देता हूं देखो आप यह कह रहा है कि किसी महीने की जो पहली तारीख है ना एक तारीख जो है वो बीते हुए परसों के ये मान लिया ये है आज ये हो गया बीता हुआ परसों कितने दिन पहले आएगा ये आएगा दो दिन पहले और बीते हुए, मतलब बीते, हुए बीते हुए परसों के पांच दिन पहले इससे भी पांच दिन पहले क्या वार था शुक्रवार था दोस्तों यह कह रहा है आज मतलब किसी भी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के पांच दिन पहले पड़ती है पहली तारीख बीते हुए परसों के पांच दिन पहले पड़ती है तो इसका मतलब क्या हो गया आज से सात दिन पीछे नहीं होगी क्या हो दो दिन पहले और उसके पीछे पांच दिन तो आज से सात दिन पीछे हो गई मतलब एक तारीख जो है ना वो आज से सात दिन पीछे है और आज वार क्या बता रहा है दोस्तों आज वार है शुक्रवार तो यार एक बात बताओ अगर आज शुक्रवार है तो सात दिन पहले भी क्या होगा शुक्रवार ही होगा मतलब ये हो गया एक तारीख को है शुक्रवार किसी महीने की <coughs> एक तारीख को है शुक्रवार तो इसके सात दिन बाद फिर से शुक्रवार ही होना है आठ तारीख को भी शुक्रवार होगा इसके सात दिन बाद पंद्रह को भी क्या होगा शुक्रवार होगा और इसने किसका पूछा पूछा है है दोस्तों इसने का तो किसों से आगे कितने दिन काउंट करने पड़ेंगे पंद्रह से आगे चार दिन गिनने पड़ेंगे तो पंद्रह को अगर शुक्रवार है तो शुक्रवार में चार जोड़ दो क्या आ जाएगा शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया मंगलवार फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बताओ समझ में आया कि नहीं है जीत सिंह से कह नमस्कार मनोज भाकर राम राम बोलो दोस्तों क्लियर हुआ या नहीं हुआ कोई डाउट इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सा सवाल था सिर्फ बाकी का नॉर्मल कैलकुलेशन का क्वेश्चन था बताइए इस क्वेश्चन का आंसर यदि किसी माह की उन्तीस तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह की पांच तारीख को कौन सा दिन होगा बिल्कुल सिंपल सा सवाल है नॉर्मल सा क्वेश्चन है एक बार सारे के सारे शेयर जरूर कर दें भाई शेयरिंग में कोई कमी ना छोड़े लाइक में कोई कमी ना छोड़े है ना मन लगा के लाइक भी करते रहे मन लगा के शेयर करते रहे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर उनतीस तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह की पांच तारीख को क्या वार होगा सिंपल सा क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल इजी सवाल है आराम से आंसर आ जाएगा सबका बताइए अरे यार ऐसे क्वेश्चन का इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए था गोविंद राम गुड इवनिंग संदीप चौधरी का आंसर आ गया बी बाबा जी का डी मनोज भाकर का बी अनिल का बी अभिषेक झाजड़ा बी जीतराम का बी <coughs> संजय शर्मा बी ममता चौधरी का बी अर्जुन सिंह का बी प्रियंका का बी विकास अशीवाल का डी राकेश सारण का बी अब देखो भाई दो तरीके से समझा देता हूं को। कैसे ही कर लो ये कह रहा है कि 29 तारीख का वार क्या है किसी महीने की 29 तारीख का है शुक्रवार तो उस महीने की पांच तारीख का क्या वार होगा सबसे पहला देखो एक लॉजिक तो इसका ये होता है कि जिस तारीख का वार पूछा है जिसका वार दिया है उनके बीच का अंतर निकाल लो उनतीस तारीख का दिया है का पूछा है तो उनतीस में से पांच गया कितना बच गया चौबीस मतलब इनके बीच में टोटल दो, सात का. क्यों? का भाग, भाग इसमें कितनी बार गया सात इक्कीस और शेष क्या बच गया तीन शेष बच गया कितनी बार भाग जाता इससे अपने को मतलब नहीं है अपने को मतलब केवल किससे है शेष से कितना शेष बच गया दोस्तों तीन शेष बच गया वो तीन या तो इस शुक्रवार में जुड़ेगा और या इसमें से घटेगा अब सोचो जुड़ेगा कि घटेगा देखो उनतीस तारीख का वार देकर पांच तारीख का वार पूछा है जिस तारीख का वार दिया है ना अगर उसके बाद की किसी उसके बाद आने वाली किसी तारीख का वार पूछे तब तो शेषफल पल दिए गए वार में जुड़ेगा और अगर उससे पीछे की किसी तारीख का वार पूछे तो प्राप्त शेषफल दिए गए वार में से घटेगा तो यहां गुणतीस का देकर पांच का पूछा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा घट जाएगा ये शुक्रवार में से कितना तीन घटा लो शुक्रवार में से तीन घटाओ देवो गुरुवार बुधवार मंगलवार क्या आंसर आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों बिल्कुल इजी सवाल है आंसर हो गया मंगलवार ठीक है दूसरा इसको आप एक नॉर्मल सीधी सीधी टेक्निक से भी कर सकते हो किसी माह की उन्तीस तारीख को क्या वार है उन्तीस तारीख को है शुक्रवार दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कोई भी महीना क्यों ना हो भले जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोई भी महीना हो उसकी पहली तारीख और उसकी उनतीसवीं तारीख का वार हमेशा सेम होता है किसी भी महीने की एक तारीख का वही वार होगा जो उसकी 29 तारीख को हो होगा तो ये कह रहा है कि उनतीस तारीख को क्या है शुक्रवार है तो अगर उनतीस को शुक्रवार है तो एक को भी शुक्रवार ही है और अगर एक तारीख को शुक्रवार है तो पांच तारीख को क्या वार होगा अरे भाई सीधा सीधा एक में कितना जोड़े चार एक में चार जोड़ देंगे पांच आ जाएगी तो जोड़ लो शुक्रवार में चार जोड़ दो लो जोड़ो आंसर वही आना है कोई फर्क नहीं पड़ना सिर्फ कैलकुलेशन कम हो जाती है शुक्रवार में चार जोड़ो शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार आंसर वही आ रहा मंगलवार सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सिंपल सा सवाल था दोस्तों आराम से समझ में आने वाला क्वेश्चन है कोई हेडेक नहीं है कोई डिस्टर्बेंस कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं है ठीक है बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था चलते हैं अगले सवाल पे ये आपका अगला क्वेश्चन यदि एक दिसंबर उन्नीस महीने का पहला रविवार है तो दिसंबर की निम्न में से कौन सी तारीख को चौथा मंगलवार होगा बताइए क्या आएगा आंसर एक दिसंबर उन्नीस को पहला रविवार है तो दिसंबर महीने की कौन सी तारीख को चौथा मंगलवार आएगा यह पूछ रहा है राकेश कांसवटिया पांचवा गुड इवनिंग भाई बताइए क्या होगा आंसर एक तारीख को रविवार है तो मंगल चौथा मंगलवार कितनी तारीख को आएगा चौथा मंगलवार पहली बात तो एक चीज तो क्लियर है चौथे सप्ताह में आएगा टिकम राम गुड इवनिंग रामचरण का आंसर आ गया बी रामचरण का आंसर आ रहा है बी मोनू शोराण का आंसर आ रहा है सी अभिषेक जाजड़ा का आंसर आ रहा है सी प्रियंका का आंसर आ रहा है सी मनीष चौधरी राम राम जीत राम का आंसर आ गया सी बाबा जी का आंसर आ गया डी त्रिलोक कुमावत का आंसर आ गया सी महेंद्र प्रजापत डी संजय शर्मा सी डिंपल बी अब देखो भाई समझ लो इधर देखो एक दिसंबर किसी भी महीने की एक तारीख एक दिसंबर को वार क्या है <coughs> एक दिसंबर को है पहला रविवार ठीक है एक बात बताओ यार अगर एक तारीख को रविवार है तो आठ तारीख को भी रविवार ही होना है क्योंकि सात सात दिन बाद में तो सेम ही वार रिपीट होता है आठ को रविवार है तो पंद्रह का भी क्या होना है रविवार पंद्रह को रविवार है तो बाईस को भी क्या होना है रविवार मतलब यह हो गया कि एक तारीख का अगर रविवार है तो चौथा रविवार कितनी तारीख को पड़ रहा है बाईस तारीख को और यह क्या पूछ रहा है चौथा मंगलवार कितनी तारीख को पड़ेगा अगर बाईस को रविवार है तो मंगलवार कितने को पड़ेगा चौबीस तारीख को पड़ेगा दोस्तों कितने को पड़ेगा चौबीस तारीख को पड़ेगा आंसर तो हो गया आपका चोईस लेकिन यहां से एक छोटी सी चीज समझाता हूं उस पर ध्यान दो एक तारीख से लेकर सात तारीख तक कोई भी महीना हो एक से सात तारीख तक होता है पहला सप्ताह पहले सप्ताह का मतलब कोई भी वार इसमें पहली बार आता है एक से सात तारीख तक कभी भी कोई वार रिपीट नहीं हो सकता दोबारा नहीं आ सकता क्यों क्योंकि पहले सप्ताह में हर वार एक बार ही आएगा दूसरा सप्ताह होता है सात दुनी चौदह आठ से चौदह इसमें प्रत्येक वार दूसरी बार आएगा तीसरा सप्ताह होता है पंद्रह से इक्कीस इसमें प्रत्येक बार तीसरी बार आएगा और चौथा सप्ताह होता है बाईस से अट्ठाईस इसमें प्रत्येक बार चौथी बार आएगा और पांचवा सप्ताह केवल उनतीस से इकतीस तारीख होता है उनतीस से इकतीस तारीख तक जो भी बार होता है वो उस महीने में पांचवी बार आता है दोस्तों कौन सी बार आता है पांचवी बार आता है ठीक है तो ये कह रहा है चौथा मंगलवार चौथा मंगलवार कब आएगा 22 तारीख से 28 तारीख के बीच में आएगा एक बात तो क्लियर है चौथे सप्ताह में में आएगा कई कई बार बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती डायरेक्ट आंसर मिल जाता है अगर मान लो यहां पर इसकी जगह और भी कोई दूसरी तारीख लिखी होती मान लो उनतीस लिखा होता तो अपने को कैलकुलेशन की क्या आवश्यकता थी सत्रह सत्रह तारीख तीसरे सप्ताह में आती है तारीख ख में आती है इकतीस पांचवे में आती है चौथे सप्ताह में आई है एक ही तारीख रही है कौन सी चौबीस तो वो अपना आंसर हो जाता ठीक है लेकिन <स्थिस> इसने दो तारीख चौथे सप्ताह में भी दो तारीखें दे रखी है तो क्या करेंगे सोल्व करेंगे अब सोल्व कैसे करेंगे पहले सप्ताह की पहली तारीख को रविवार है तो चौथे सप्ताह की पहली तारीख को भी रविवार ही होगा है ना तो एक तारीख को रविवार है तो 22 को भी रविवार इस प्रकार से डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं ठीक है इसलिए अगर 22 को रविवार है तो 24 को क्या हो जाएगा मंगलवार सिंपल सा सवाल आराम से लेकिन इस क्वेश्चन से अपना यह एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन यह एक इंपॉर्टेंट लॉजिक क्लियर होता है और इस लॉजिक से कई क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं समझ में आया <coughs> अनिल शेखावत नमस्कार पूनम कुमावत गुड इवनिंग भरत चतुर्वेदी गुड इवनिंग भाई चले अगले क्वेश्चन पे यह आपका अगला सवाल बताइए आंसर किसी महीने की दो तारीख रविवार को पड़ती है तो उसी महीने की इकतीस तारीख को कौन सा दिन होगा <coughs> किसी महीने की दो तारीख रविवार को पड़ती है तो उस महीने की इकतीस तारीख किस वार को पड़ेगी <coughs> बताइए क्या होगा आंसर <coughs> संदीप चौधरी का आंसर आ गया ए संदीप का आंसर आ गया ए अर्जुन सिंह आंसर ए अभिषेक जाजड़ा ए पीएस चौधरी ए विकास अशीवाल का ए सुरेंद्र खिलेरी का ए भरत चतुर्वेदी का ए हरिशंकर का ए जीतराम का ए सुनीता पचार ए राकेश काशोटिया का ए बाबा जी का ए प्रियंका का ए आर्मी लवर ए ममता चौधरी का ए त्रिलोक कुमावत ए जीत सिंह शेखावत का ए अनिल का बी रामचरण का ए मनीराम सैनी का ए अब देखो इधर समझ लो मैं समझा देता हूं भाई एक चीज सीधी सीधी याद रखना किसी भी महीने की एक और गुणतीस तारीख का वार हमेशा सेम होगा एक तारीख का एक तारीख का जो भी वार होगा वो ही उसकी गुणतीस को होगा दो तारीख और तीस तारीख का वार भी सेम होगा और फिर अगर ऐसा है तो तीन तारीख और इकतीस तारीख का वार भी सेम होगा अरे भाई एक दो तीन उनतीस तीस इकतीस सेम ही होना है अगर पहली और उनतीसवीं का समान है तो दूसरी और तीसवीं का समान है और तीसरी और इकतीसवीं भी का भी समान है दो तारीख को रविवार है तो दोस्तों बताओ दो को रविवार है तो तीस को भी क्या है रविवार और अगर तीस को रविवार है तो फिर इकतीस को क्या है सोमवार कैलकुलेशन नहीं करनी है यार एक बात बताओ अगर कैलकुलेशन ही करनी हो तो ये इस सेशन को ज्वाइन करने की क्या जरूरत है कैलकुलेशन तो आपको कहीं भी सिखा दी जाएगी यहां तो डायरेक्ट हिट होगा सीधा सीधा आंसर पे हिट मनोज बाकर हां यार बढ़िया राय दे रहे हो चलो आज हल्दी का दूध ही पीते हैं पहले तो यह काम कर लेते हैं मनोज भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए देखो अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पढ़ने में क्वेश्चन में मजा आ रहा है कुछ लॉजिक सीखने को मिल रहा है कुछ अच्छा कंसेप्ट मिल रहा है ना तो ये लाइक में कमी मत छोड़ो इसमें कंजूसी मत करो और एक शेयर करते जाओ सारे के सारे खुद ही यार फायदा उठा रहे हो सारी मिठाई खुद ही खाके जा रहे हो थोड़ी बहुत पड़ोसियों को भी अपने रिश्तेदारों को अपने दोस्तों को भी बांटो जल्दबाजी में गलत हो गया जल्दबाजी में ही आदमी नौकरी लगने से रह जाता है सही है ना बात है? लापरवाही जल्दबाजी यह किसी इंसान के सबसे बड़े शत्रु है भैया इनको जितना जल्दी हो सकता है इनका साथ छोड़ दो बताइए क्वेश्चन कह रहा है रितेश को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिला था जो कि किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद था यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार को थी तो रितेश किस तारीख को अपने भाई से मिला था बिल्कुल साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है मेंटेबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन है नॉर्मल सा सवाल आराम से बता सकते हो रितेश को याद है कि वह है अपने भाई से शनिवार को मिला था जो कि किसी विशेष माह की बीस तारीख के बाद आता है यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार को थी तो रितेश किस तारीख को अपने भाई से मिला था बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा जीतराम चौधरी का आंसर आ गया डी मोनू शोराण का आंसर आ गया डी संदीप चौधरी का डी बाबा जी का डी सुरेंद्र किलेरी का डी मनोज भाकर डी आर्मी लवर डी विकास असीवाल का डी पी एस चौधरी डी मोनू सोरान डी चेनाराम नायक डी ममता चौधरी डी त्रिलोक कुमार डी प्रीतम सुथार सी अर्जुन सिंह का डी अब देखो समझ लो भाई ये कह रहा है रितेश अपने 22वें मिला है शनिवार को ये तो फिक्स है कि वो मिला तो कब है शनिवार और ये भी फिक्स है कि वो शनिवार कब आ रहा है 20 तारीख के बाद में आ रहा है ठीक है अब आप ये कर रहा है कि कर उस माह की एक तारीख को मंगलवार है एक बात बताओ दोस्तों एक तारीख को मंगलवार है तो उनतीस तारीख को भी क्या होगा मंगलवार होगा पहले यह चीज क्लियर करो आप ठीक है ना उनतीस को भी क्या होगा मंगलवार होगा और तीस को फिर क्या होगा बुधवार होगा और 31 को क्या होगा वो गुरुवार होगा अगर वो महीना 29 30 31 दिन का भी आता है ना क्योंकि 29 30 31 का कौन सी बार आता है पांचवी बार लेकिन 29 30 और 31 को शनिवार नहीं है इसका मतलब वो 29 तारीख से पहले ही मिलेगा तो अब आप ये देख लो दोस्तों 29 से पहले शनिवार कितनी तारीख को आएगा 29 से पहले शनिवार कितनी तारीख को आएगा ये देख लो 1 तारीख को क्या है मंगलवार तो 20 तारीख के बाद अरे भाई पहले सप्ताह की पहली तारीख को मंगलवार तो चौथे सप्ताह की पहली तारीख को भी मंगलवार ही है दोस्तों ठीक है बाईस को मंगलवार तो फिर देख लो शनिवार कब आएगा तेईस को बुधवार चौबीस को गुरुवार पच्चीस को शुक्रवार और छब्बीस को शनिवार ये लो सिंपल सा सवाल है साइकोलॉजिकल क्वेश्चन था अगर ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती करता है तो इसका मतलब वो जल्दबाजी में या लापरवाही में गलती कर सकता है बाकी कभी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता चाहे कोई स्टूडेंट नॉर्मल से नॉर्मल प्रिपरेशन करके भी जाए ना तो भी ऐसा सवाल गलत नहीं होगा यह सिर्फ अपनी खुद की संविवेक खुद की सोच पर आधारित सवाल है ऐसे क्वेश्चनों में गलती का चांस न के बराबर होता है अभिषेक गलत आंसर दे रहे हो 25 नहीं आएगा बताइए अगला क्वेश्चन यदि शनिवार से प्रारंभ होने वाले शनिवार से प्रारंभ होने वाले तीस दिनों के महीने में शनिवार से शुरू हो रहा है भाई तीस दिनों के महीने में दूसरा शनिवार और प्रत्येक रविवार छुट्टी का दिन है तो उस मास में कितने कार्य दिवस होंगे गजब का सवाल है अच्छा क्वेश्चन है बढ़िया सवाल है भाई बताइए क्या है विकास अशीवाल रुक कैसे गया कई बार टेक्निकल इश्यू आ जाता है विकास भाई है ना नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है कई बार दिक्कत हो जाती है और आप खुद सोच लो दो, -दो सौ बच्चे लाइव चलते हैं उनको परमानेंट लाइव देने के लिए कितने एमबीबीएस स्पीड से चलता होगा नेट थोड़ा बहुत अप डाउन होते ही रुक जाता है <coughs> पूजा शर्मा राम राम बत अरे यार इतनी देर थोड़ी लगते हैं आंसर आने में एक्स स्टूडेंट श्रीनाथ डिफेंस अकेडमी कुचामन डी स्वागत है भाई अरविंद चौधरी डी जीतराम चौधरी डी मोनू शर्मा डी पी एस चौधरी का डी और पूजा शर्मा का डी अभिषेक झाजड़ा डी आर्मी लवर डी मोनू शोरान डी सुरेंद्र किलेरी डी बाबाजी का डी अनिल का डी चलिए अब मैं बता देता हूं सुनो देखो इधर शनिवार से शुरू हो रहा है मतलब एक तारीख को क्या वार है शनिवार एक बात बताओ दोस्तों एक तारीख को शनिवार है तो गुणतीस तारीख को भी क्या होगा शनिवार और यह इस महीने का कौन सा शनिवार होगा पांचवा शनिवार होगा और दूसरी एक बात और बताओ अगर एक को शनिवार है तो दो तारीख को क्या होगा रविवार होगा और दो को अगर रविवार है तो तीस को भी क्या होगा रविवार और यह रविवार भी कौन सी बार आएगा पांचवी बार आएगा तो दोस्तों एक बात तो क्लियर हो गई कि इस महीने में रविवार कितने आते हैं इस महीने में रविवार आते हैं पांच पांच है ना अरे भाई तीस तारीख को रविवार है वो पांच है पांचवास तीस इकतीस को जो भी ठीक है, है।, है तो तीस तारीख को रविवार है वो पांचवी बार आ रहा है और एक छुट्टी किसकी है एक छुट्टी है दूसरे शनिवार की सभी शनिवारों की नहीं केवल सेकंड सैटरडे की छुट्टी है तो छह अवकाश है कितने दिन के महीने में 30 दिन के महीने में छह अवकाश है तो कार्य दिवस कितने हैं दोस्तों 24 कार्य दिवस है यार इतने सिंपल क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गई ये बताओ आप समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ और आया समझ में आ रहा है मजा तो करो लाइक करो शेयर और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर यदि किसी महीने की चौथी तारीख को शनिवार था तो उसी महीने की बीस तारीख के बाद चौथे दिन कौन सा वार होगा देखो यहां क्या लिख रहा है बीस तारीख के बाद चौथा दिन यदि किसी महीने की चौथी तारीख को शनिवार है तो उस महीने की बीस तारीख के बाद चौथे दिन कौन सा वार होगा बताइए आंसर क्या होगा इतना टाइम ना लगाओ भैया इतना टाइम ना लगाओ इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा टाइम आपका खराब हो रहा है नुकसान आपका हो रहा है मेरा एवरेज है पर डे बीस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाना है ना अब उसमें से कम हो रहे हैं तो वो आपके हो रहे हैं पीएस चौधरी का आंसर आ गया डी और रीजनिंग के क्वेश्चन में मैक्सिमम तीस सेकंड में आंसर आ सकता है यार जीतराम का बी संदीप का ए गोपाल का बी राहुल राम राम भाई ममता चौधरी का बी अभिषेक झाजड़ा का ए बाबा जी का बी अनिल का बी मोनू शोराण ए जीत सिंह का बी चेतन झाजड़ा ए रामचरण का ए सुरेंद्र खिलेरी बी चलिए अब मैं बता देता हूं हरिशंकर का बी देखो इधर किसी महीने की चार तारीख को शनिवार दोस्तों चार तारीख को है शनिवार है ना पहले सप्ताह की चौथी तारीख को शनिवार है तो यह बीस तारीख के बाद चौथा दिन दोस्तों अगर इसकी जगह यह लिखा होता बीस तारीख के चार दिन बाद तो स्थिति कुछ अलग होती लेकिन 20 तारीख के बाद चार दिन में स्थिति कुछ भी नहीं है सीधा सीधा जोड़ना है अरे यहां तो 20 और 5 25 आता लेकिन 20 तारीख के बाद चौथा दिन मतलब कितना हो गया 20 और है, चौबीस चार तारीख का वार दिया है और 24 का वार पूछा है ठीक है दो तरीके वही दो तरीके से फिर समझा देता हूं देख लो चार तारीख का शनिवार है तो चौबीस का क्या वार होगा एक काम करो या तो दोनों के बीच के दिन निकाल लो चौबीस में से चार गया कितने दिन आगे भाई बीस आगे बीस दिनों में कुल दिन है बीस उसमें भाग किसका देंगे सात का सात दूनी चौदह शेष कितना बच गया छह आपको केवल शेष से मतलब है भाग कितनी बार गया इससे अपने को कोई सरोकार नहीं है भैया जो शेष बच गया वो दिया गया जो वार है उसमें जुड़ेगा या घटेगा चीज मैं आपको बता चुका हूं जुड़ता कब है घटता कब है ठीक है कब जुड़ता है जब दी हुई तारीख चार तारीख का शनिवार दिया हुआ है इसके बाद की तारीख का पूछेगा तो जुड़ेगा और पीछे की पूछेगा तो घटेगा यहां तो चौबीस तारीख चार के बाद में आती है तो जुड़ जाएगा शनिवार में कितना जोड़ दे शनिवार प्लस छ और दोस्तों ये मैंने कल ही समझा दिया चाहे छह जोड़ दो चाहे एक घटा दो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आएगा शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है भगवान गुड इवनिंग फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो गया ठीक है लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से करें तो कैसे करें पहले सप्ताह भाई चार तारीख पहला सप्ताह में आती है ना एक से चार एक से सात तक तो पहले सप्ताह का अगर चौथा दिन शनिवार है तो इसको चौबीस तारीख चाहिए ना चौबीस तारीख कौन से सप्ताह में आएगी चौथे सप्ताह में तो चौथे सप्ताह का चौथा दिन भी क्या होगा 21 प्लस चार पच्चीस तारीख को भी शनिवार होगा भाई पहले सप्ताह का चौथा दिन वही होगा जो चौथे सप्ताह का चौथा दिन होगा 25 तारीख को शनिवार है तो 24 तारीख को क्या होगा शुक्रवार ये लो अगर डायरेक्ट करना चाहो बिना कैलकुलेशन के तो इससे कर लो बोलो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया अरे भैया मजा आया कि नहीं आया अरे आया समझ में तो करो लाइक करो शेयर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर यदि किसी महीने की तीन तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की इकतीस तारीख से पांच दिन पहले कौन सा वार होगा सुरेंद्र कुमावत राम राम भाई एस प्रजापत नमस्कार बताइए बताइए फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा अरे हरीश कुमार ऐसा कैसे हो सकता है यार समझ में ही नहीं आया ये तो बहुत ईजी मामला अभी तो आपसे दक्ष क्लासेज में अच्छा अच्छा ठीक है भाई भगवान राम जी अब यहां पढ़िए हमारा काम पढ़ाना है जो रोजगार देता है वहां पढ़ाना चालू कर देते हैं है ना मनोज भाकर का भी आ गया गोपाल का ए आ गया अर्जुन सिंह का भी आ गया जीतराम राम भी आ गया सुरेंद्र कुमावत डी आ गया बाबा जी का ए आ गया डिंपल भी आ गया संदीप चौधरी भी आ गया हरीश कुमावत भी आ गया सुरेंद्र कुमावत डी आ गया अभिषेक जाजड़ा का भी आ गया त्रिलोक कुमावत भी आ गया सुनीता पचार डी आ गया अर्जुन सिंह का भी आ गया अनिल का भी आ गया मोनू शोराण का डी आ गया ममता चौधरी भी आ गया अब देखो मनीराम शेनी का भी आ गया अब देखो भाई तीन तारीख को मंगलवार है तो इकतीस तारीख से पांच दिन पहले तीन तारीख का है मंगलवार तो इकतीस तारीख से पांच दिन पहले कितनी तारीख हो गई छब्बीस तीन तारीख का वार दे रखा है छब्बीस का पूछा है क्या करोगे पहले दोनों के बीच के कुल दिन ज्ञात कर लो कुल दिनों के लिए छब्बीस में से तीन घटा दो कितना आ गया तेवीस दिन आ गए

लेकिन वही बात सीधा करें तो कैसे करेंगे एक बात बताओ आप तीन तारीख को क्या है मंगलवार तीन तारीख कौन से सप्ताह में आती है पहले सप्ताह का तीसरा दिन पहले सप्ताह का तीसरा दिन मंगलवार है तो चौथे सप्ताह का तीसरा दिन भी मंगलवार ही होगा चौथा सप्ताह 21 तारीख के बाद में आता है इक्कीस और तीन चौबीस को भी क्या है मंगलवार और दोस्तों अगर चौबीस को मंगलवार है तो यह छब्बीस का पूछ रहा है छब्बीस का क्या हो जाएगा चौबीस को मंगलवार पच्चीस को बुधवार और छब्बीस का गुरुवार ये लो सीधा करो ऐसे करो पूरा करो तो ऐसे कर लो जो आपकी मर्जी हो उससे कर लो हार्ट बीट वाह वाह अभी अभी पधारे हैं और आपको पता भी लग गया किसी को समझ में नहीं आया है बोलो भाई क्वेश्चन क्लियर है क्या कि किसी कि कि को कोई डाउट है तो बोल सकते हो अगर सिंगल डाउट किसी के है जो रेगुलर सेशन से जुड़ा हुआ है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं कि सर मेरे समझ में नहीं आया दोबारा समझा देता हूं देखो तीन तारीख का मंगलवार है तो इकतीस से पांच दिन पहले इकतीस में से पांच कम कर दिया तो यह आ गया छब्बीस तीन का दे दिया चब्बीस का पूछ लिया दोनों के बीच का अंतर आ गया तेवीस तेवीस में सात का भाग दे दिया तीन बार गया ठीक है तीन बार गया दो शेष बच गया जो शेष बच गया वो मंगलवार में जोड़ दो आंसर आ जाएगा और नहीं सीधा करो तो ऐसे कर लो तीन तारीख पहले सप्ताह का तीसरा दिन होता है पहला सप्ताह एक से सात तारीख तक आता है ठीक है तो पहले सप्ताह का तीसरा दिन अगर मंगलवार है तो चौथे सप्ताह का तीसरा दिन भी मंगलवार होगा तो चौथे सप्ताह का तीसरा दिन हो गया इक्कीस से तीन दिन बाद यह चीजें शुरू में समझा चुका हूं मैं आपको चौबीस को भी मंगलवार और चौबीस को मंगलवार तो छब्बीस को क्या हो गया गुरुवार हो गया क्योंकि चौबीस को मंगलवार पच्चीस को बुधवार और छब्बीस को गुरुवार समझ में आ गया कि नहीं आया और आ गया समझ में तो ये अगला सवाल बताइए आंसर क्या होगा चलिए बताइए फटाफट से क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी महीने की दस तारीख मंगलवार के दो दिन बाद पड़ती है तो उस महीने की छब्बीस तारीख को कौन सा दिन होगा एक एक छोटे से छोटा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं इतने क्वेश्चन लाइव सेशन में कहीं भी सोल्व नहीं करवाए जाते दोस्तों चलिए बताइए फटाफट फ़ड़ से महीने की दस तारीख मंगलवार के दो दिन बाद तो उस महीने की छब्बीस तारीख को वार क्या आएगा मनोज बाकर का आ गया ए मनोज का आ गया ए भगवान राम का आ गया सी मनोज का ए भगवानाराम राम का सी जीतराम चौधरी डी संदीप चौधरी ए पी एस चौधरी नहीं सर क्या कह रहा है भाई नहीं सर मतलब समझ में नहीं आया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है दो अर्थ निकलते हैं नहीं सर के भी हरीश कुमावत का डी अनिल का डी सुरेश जाकर इंडाली का ए बाबा जी का डी रे किस डी ममता चौधरी का ए राजू कुमावत का डी हीराराम मुरावतिया हेमाराम मुरावतिया का ए अर्जुन सिंह डी अनिल का डी डिंपल डी एस प्रजापत का ए चलिए अब समझ लो अभिषेक जाजड़ा का ए देखो भाई दस तारीख आती है मंगलवार के दो दिन बाद पहले आप इस कंडीशन को समझो कि दस तारीख है मंगलवार के दो दिन बाद ये चीजें आपको मैंने कल समझा दी कल पूरा का पूरा डिस्कशन अपना इसी कंसेप्ट पर हुआ था मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि अगर दो दिन बाद लिखा है तो उसकी जगह आपको एक बड़ा कर लिखना है हमेशा कितना काउंट करना है तीन लेकिन उस तीन के लिए डिसाइड होगा यहां से क्या लिखा हुआ है यहां के लिखा हुआ है किससे लिखा हुआ है अगर के लिखा हुआ है जैसे मंगलवार के तो मंगलवार के लिखा जाए ना तब तो तीन दिन में मंगलवार को खुद को नहीं गिनना आगे वाले दिन से गिनना है और अगर से लिखा जाता है तो फिर काउंटिंग मंगलवार को खुद को गिनकर करनी है तो यहां पर तो मंगलवार के लिखा है तो मंगलवार से आगे गिन लो तीन दिन एक दो और तीन बुद्ध गुरु और शुक्र तो दस तारीख का दोस्तों क्या आ गया दस तारीख का आ गया शुक्रवार अब एक बार बताओ दस का शुक्रवार है तो सात दिन बाद फिर शुक्रवार आएगा सत्रह का भी शुक्रवार होगा और सत्रह का शुक्रवार है तो सात दिन फिर बाद में शुक्रवार आएगा चौबीस को भी शुक्रवार होगा और चौबीस को अगर दोस्तों शुक्रवार है तो इसने किसका पूछा है छब्बीस का पूछा है चौबीस को शुक्रवार तो छब्बीस को क्या आएगा चौबीस शुक्रवार पच्चीस शनिवार छब्बीस का क्या होगा रविवार आएगा दोस्तों आंसर हो गया आपका संडे फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर बोलो समझ में आया कि नहीं आया आया समझ में करो लाइक करो शेयर और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं फिलहाल अब है ना धीरे धीरे इन क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा क्यों क्योंकि अब कंसेप्ट चेंज होगा दोस्तों इतनी देर तो नॉर्मल क्वेश्चन थे लेकिन अब कंसेप्ट चेंज हो जाएगा एक एक सवाल से वाकिफ करवाऊंगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है <coughs> यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के पांच दिन पहले पड़ती है तो इस महीने की उन्नीस तारीख का रिपीट हो गया क्या यार क्वेश्चन देखना पड़ेगा रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो ये देखो वो क्वेश्चन रिपीट हो गया यदि एक जनवरी उन्नीस को सोमवार था तो 15 सितंबर उन्नीस को कौन सा दिन होगा अब यह क्वेश्चन जो है ना यह थोड़ा सा थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है लेकिन उतना लेवल नहीं कह सकते क्योंकि अभी लेवल तो देखना बाकी पड़ा है ठीक है लेवल तो देखेंगे अभी धीरे धीरे चलते जाओ आप आगे से आगे बढ़ते जाओ लेवल की ओर ही बढ़ रहे हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल में रीजनिंग सबसे स्टैंडर्ड आती है तो उसी एंगल से आपको ये मैं पढ़ा रहा हूं मेरे स्टूडेंट के कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आए कि कम से कम उसमें कोई दिक्कत रहे या समझ में ना आए अभिषेक चेतन मेरे सभी सही हैं बिल्कुल भाई आपके सारे सही हैं इसीलिए सही करवाने के लिए तो मैं माता पच्ची कर रहा हूं नहीं किस लिए कर रहा हूं बताओ आप भगवान राम का बी आ गया बीट ए प्रियंका गांधी का आ गया बी एक जनवरी उन्नीस सो को सोमवार तो 15 सितंबर उन्नीस को क्या वार होगा पीएस चौधरी हमारे लिए भी टी शर्ट अरे भाई यार टी शर्ट मेरी वाली ले जा टी शर्ट की क्या इच्छा रखता है, है? मनी, मनी राम का बी सुरेश जाकड़ का आ गया बी बताइए बताइए दोस्तों फटाफट से आंसर बताए क्या आंसर होगा सुरेंद्र कुमावत का आ गया बी मोनू शोराण का आ गया बी त्रिलोक कुमावत का आ गया बी अभिषेक का आ गया ए कालू राठौड़ का आ गया ए चलो अब मैं समझा रहा हूं भाई एक बार ममता चौधरी का भी आ गया पूजा शर्मा भी आ गया जगदीश प्रसाद मीणा का भी आ गया जीतराम चौधरी का ए आ गया अब देखो ए, एक जनवरी उन्नीस को क्या वार है सोमवार तो 15 सितंबर उन्नीस को क्या वार होगा फिर वही दो तरीके बताऊंगा ठीक है फिर वही दो तरीकों पर अपन बात करेंगे ठीक है ताकि आपको कोई समस्या ना हो जो चीज आपने पढ़ी है उसका पूरा फायदा मिले नहीं इस क्वेश्चन का कहीं भी पढ़ लो एक सिंगल तरीका एक ही तरीके से पढ़ाया जाएगा लेकिन आपको इसका डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा जिससे कुछ आप कुछ हद तक उसको सीधा कर सकते हो देखो पहले तो पूरा समझ लो दोस्तों एक जनवरी का क्या वार रखा है एक जनवरी का है सोमवार और पूछा है इसने बताओ पंद्रह सितंबर का क्या वार आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों सबसे पहले एक जनवरी से पंद्रह सितंबर तक के टोटल दिन काउंट करने ठीक है तो पहले तो आप मुझे यह बताओ कि जनवरी से सितंबर के बीच कौन कौन से फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त ये महीने तो बीच में आ रहे हैं तो ये महीने तो पूरे पूरे काउंट होंगे कि नहीं होंगे ये बता दो आप भाई जो महीने बीच में आ रहे हैं वो तो पूरे गिने जाएंगे आपको एक जनवरी से शुरू होकर पंद्रह सितंबर तक के टोटल दिन काउंट करने तो जो महीने बीच में आ गए उनको तो सबको गिनना है ठीक है अब यह बताओ आप फरवरी जो है ना उन्नीस सौ लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है उन्नीस सौ में चार का भाग जाता है तो लीप वर्ष है मतलब इसमें फरवरी कितने दिन की आएगी उन्तीस की और दोस्तों आपको क्या करना मैंने आपको क्या बात कहा था कि सात का भाग देकर जो शेष बचे ना उसी से अपने को मतलब है बाकी अपने को किसी भी से कोई मतलब नहीं है टोटल दिन कितने हैं अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है उनतीस दिन है फरवरी के उन्तीस में से सात चौक अट्ठाईस सात सात के सप्ताह को बार निकाल दो जो बच जाए वो अपने टोटल दिन है मार्च इकतीस का होता है इकतीस में से अट्ठाईस अट्ठाईस कम करते जाओ आप तो मार्च में से तीन अट्ठाइस कम कर दिया तीन अप्रैल तीस का होता है अट्ठाइस कम कर दिया दो मई इकतीस का होता है अट्ठाइस कम कर दिया तीन जून तीस का होता है अट्ठाईस कम कर दिया दो जुलाई इकतीस का होता है अट्ठाईस कम कर दिया तीन अगस्त इकतीस का होता है अट्ठाइस कम कर दिया तीन ये तो बीच वाले आ गए सारे और अब क्या करना है देखो एक तो है जनवरी और एक है सितंबर दोस्तों कैलेंडर के अनुसार जो महीना पहले आता है ना उस पहले वाले महीने के आपको लेने शेष दिन जितने दिन बच गए और बाद में जो महीना आता है उसके आपको लेने हैं जितने के जितने दिन समान दिन तो पंद्रह सितंबर में सितंबर के तो पंद्रह के पंद्रह लेने लेकिन पंद्रह में वही सात दूनी चौदह दो सप्ताह निकल गए बच गया कितना एक और जनवरी होता है इकतीस दिन का इकतीस में से एक गया कितना बच गया तीस तीस में से वही अट्ठाईस निकाल दो कितने बच गए दो बोलो भाई क्लियर है सात सात के सप्ताह निकालते जाओ बस उनसे अपने को कोई सरोकार नहीं है कोई लेना नहीं है अब देखो तीन और तीन छह और एक सात फिर सात सात के जोड़ों को हटाते जाओ सात दिन का एक सप्ताह बन गया निकाल दो तीन दो पांच और दो सात फिर एक सप्ताह बन गया हटा दो तीन दो पांच और लास्ट में शेष कितना बच गया आपका छह शेष बच गया अपने को शेष ही चाहिए दोस्तों तो जो शेष बच गया ना वो दिया गया वार कौन सा सोमवार में जोड़ दो या उसमें से गठा दो ठीक है अब ये देख के बताओ जुड़ेगा कि घटेगा एक जनवरी का देखकर दोस्तों पंद्रह सितंबर का पूछा है तो पंद्रह सितंबर तो एक जनवरी के आगे ही आता है और आगे का पूछा है तो जुड़ेगा और अगर छह जोड़कर कैलकुलेशन ज्यादा न करना चाहो तो चाहे छह जोड़ दो और चाहे दोस्तों एक गठा लो बात एक ही है आंसर क्या आ गया आपका आंसर आ गया आपका रविवार क्या आ गया आंसर आ गया दोस्तों रविवार यह तो हो गया आपका क्वेश्चन ठीक है पूरे मेथड से पढ़ने इसको सोल्व कर दिया अब मैं इसका थोड़ा सा डायरेक्ट बताता हूं आपने दोस्तों पंचांग तो पढ़ाई है पढ़ा कि नहीं पढ़ा पंचांग महीने पढ़ा दिया ठीक है उन्नीस में अभी अभी बताया था मैंने साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है उन्नीस mm -hmm. so, तो में साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है उन्नीस में है एक लीप वर्ष तो लीप वर्ष में जनवरी के पंचांग महीने याद करो एक सीधा सीधा शब्द कौन सा जन की अंजू ठीक है सीधा सीधा शब्द बताया था जन अंजू की साइलेंट है की का कोई अर्थ नहीं है जन का तो हो गया क्या जनवरी का क्या हो गया अप्रैल और जू से क्या हो गया जुलाई ये तीनों महीने पंचांग के महीने होते हैं दोस्तों मतलब जनवरी अप्रैल और जुलाई महीने किसी भी लीप वर्ष में सेम होंगे कि जनवरी महीने की किसी भी तारीख का वार अप्रैल और जुलाई महीने की उसी तारीख के वार के हमेशा समान होगा बोलो एक जनवरी को अगर बुधवार है तो एक अप्रैल को भी बुधवार होगा और एक जुलाई को भी बुधवार होगा तो यार ये इतना लंबा चौड़ा क्यों घसीटते हो एक जनवरी को ये कह रहा है क्या वार है शनिवार सॉरी सोमवार एक जनवरी को है सोमवार तो एक जुलाई को भी सोमवार ही होगा नहीं होगा क्या सही एक तो अपने इतनी कैलकुलेशन बच गई सीधा जुलाई पे आ गए अपन आ गए ना अब एक जुलाई का अगर सोमवार है तो पंद्रह सितंबर का क्या होगा ये निकाल लो जुलाई और सितंबर के बीच में कौन महीना आया दोस्तों अगस्त अगस्त तो टोटल होता है इकतीस का इकतीस में से अट्ठाईस निकल गए कितने बच गए तीस सॉरी इकतीस में से अट्ठाइस निकल गए कितने बच गए दो और जुलाई टोटल कितने दिन का होता है इकतीस मैंने कहा था जुलाई और सितंबर जो महीना पहले आता है उसके ले लो शेष जो बाद में आता है उसके ले लो समान तो जुलाई के तो इकतीस में से एक गया तीस और तीस में से 28 निकल गए वही दो और पंद्रह दिन के है जितने के जितने लेंगे तो सात दूनी चौदह निकल गया कितना बच गया दोस्तों कितना बच गया पांच बच गया बोलो समझ में आया कि नहीं आया वापस देख लो एक बार क्या दिक्कत है हाँ इसमें देखो इकतीस में से 28 गया यहां कितना बचेगा तीन बचेगा ये दो और ये एक तीन और दो पांच और एक छह रात राज सीधा कर लो अगर पंचांग का पता है ना तो दो चार पांच महीनों के बीच की कैलकुलेशन बच जाती है सीधा सीधा आंसर आ जाता है बोलो समझ में आया कि नहीं आया अगर नहीं भी समझ में आया ना तो समझ में अभी आ जाएगा अभी तो बहुत लंबा चौड़ा सेशन पड़ा है इस प्रकार के कई क्वेश्चन होंगे ठीक है चलिए बताइए ये अगला क्वेश्चन छब्बीस जनवरी उन्नीस से 15 मई उन्नीस तक दोनों दिनों को अगर शामिल करूं तो कुल कितने दिन होंगे बताइए आंसर काशीनाथ फ्यूचर फौजी जयंद भाई कविता जयंद, हां अनिल भाई 31 अगस्त 31 का ही होता है चलिए बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा जिसने पंचांग है ना उसको मजा आएगा टॉपिक पढ़ने का कैलेंडर पढ़ने का बहुत मजा आएगा क्यों क्योंकि वो बाकी के बजाय कम से कम आधे टाइम में क्वेश्चन सोल्व करेगा चलिए बताइए क्या होगा आंसर जगदीश प्रसाद मीणा गुड नाइट और इतनी जल्दी पुलिस वालों के भी अलग फसाने हैं यहां तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं वाह वाह वा वा। क्या लिखा है यार यह ज्ञान तो आप लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है ना कितना ही ले लो आपसे बोले अरे कर दिया ना तो इकतीस अगस्त को इकतीस का क्या दिक्कत आ गई आपके बताइए इसका आंसर बताओ फटाफट से 26 जनवरी 1988 से 15 मई 1988 तक दोनों दिनों को काउंट करते रहना है और फिर बताना है कि कुल कितने दिन होंगे आंसर आ गया भगवाना राम का बी भगवाना राम ने आंसर दे दिया बी जगदीश प्रसाद जी क्लास शुरू होती है सात बजे फिक्स सात से आठ अनिल का आ गया ए जीतराम का बी अनिल जी थोड़ी सी गलती गए जीतराम का बी कविता का ए मोनू शोराण का डी सुरेंद्र कुमावत सोनाली का सोनिका नमस्कार भाई मोनू शोराण का डी पीएस चौधरी का बी के एम सृष्टि नमस्कार पायल वैष्णव का 110, सौ दस मोनू शोराण डी डिम्पल डी कालू राठौड़ ए कविता चौधरी ए मोनू शोराण, चेतन जाजड़ा सुरेश जाकड़ बाबा जी का डी चलिए अब मैं समझा देता हूं देखो 26 जनवरी से शुरू होना है आपको और 26 जनवरी को खुद को भी गिनना है और चलना कहां तक है 15 मई तक पहले एक बार एक काम करो बीच वाले महीने देखो कौन कौन से जनवरी से मई के बीच के महीने कौन कौन से फरवरी मार्च और अप्रैल ये तो सारे के सारे ये तो टोटल आएंगे बीच वाले तो पूरे के पूरे जुड़ेंगे ना अप्रैल तीस दिन का होता है मार्च इकतीस का होता है फरवरी 28 का भी होता है गुणतीस का भी होता है लेकिन उन्नीस में चार का भाग जाता है और जिसमें चार का भाग जाता है उसमें फरवरी महीना गुणतीस का होता है दोस्तों ठीक है तो ये गुणतीस का अब क्या करना है वैसे तरीका तो होता है कि पीछे वाले महीने के बचे हुए दिन शेष दिन लेते हैं और बाद वाले के समान दिन लेते हैं लेकिन इसने कहा साहब दोनों की ये तारीखें लेनी है तो पंद्रह मई तक तो हो गए पंद्रह दिन छब्बीस जनवरी से शुरू करके जनवरी के कितने दिन हो जाएंगे अरे भाई छब्बीस से शुरू करके तो इकतीस में से पच्चीस कम कर लो ना यार भाई इकतीस दिन का होता है उसमें से पच्चीस हटा दो तो छब्बीस से इकतीस बच जाएगा ये कितना हो गया छह सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा ये साठ तीस नब्बे और इक्कीस एक सौ ग्यारह सिंपल सा सवाल है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर उसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी फटाफट से इसका आंसर बताओ कविता जी हाँ बिल्कुल बहुत दिनों बाद क्लास मिली है तो अब कंटिन्यू चल रही है कोई दिक्कत नहीं बीच में दीपावली की छुट्टियां उससे पहले थोड़ी सेहत ने साथ छोड़ दिया था हा, पहला सुख निरोगी काया शिवानी गुड इवनिंग अब कंटिन्यू क्लास कोई दिक्कत नहीं है तीसरी क्लास है आज ये पंद्रह नवंबर से स्टार्ट हो चुका है सेशन सुरेश जाकड़ पढो देखो क्वेश्चन क्या है किसी वर्ष की तीन जनवरी को शुक्रवार पड़ता है तो इस वर्ष की दो फरवरी को कौन सा दिन होगा यार बहुत सिंपल सवाल है इतने में तो आंसर ही आ जाता है यार विकास गढ़वाल नमस्कार भाई अभिषेक मीणा नमस्कार हाँ पीएस चौधरी जीतराम का त्रिलोक पीएस चौधरी अभिषेक अनिल पूजा राजू कुमावर डिंपल, भगवाना राम भगवाना राम का आंसर सी है बाकी सबका भी चल रहा है काशीनाथ फ्यूचर फौजी का भी बी है के एम भी बी है अर्जुन सिंह भी बी है शिवानी मंडे आ रहा है अभिषेक मीणा जी के थ्योरी सर थ्योरी पढ़ाई है सर जी थ्योरी साथ साथ ही चल रही है हाँ जी देखो तीन जनवरी को जो भी वार होगा वही तो इकतीस जनवरी को होगा कैलकुलेशन क्यों करते हो जब आपको इतने डायरेक्ट चीजें सिखाई हुई है तो फिर कैलकुलेशन क्यों करते हो यार कैलकुलेशन क्या करने का क्या मतलब निकला फिर ये बताइए आप है तीन जनवरी को अगर तीन जनवरी को वार क्या है शुक्रवार तो इकतीस जनवरी को भी क्या पड़ेगा शुक्रवार और इकतीस को शुक्रवार है तो दो फरवरी को क्या पड़ेगा दो फरवरी को होगा रविवार संडे होगा दोस्तों क्या होगा संडे होगा सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बोलो आया समझ में आया समझ में तो करो लाइक सारे के सारे और लाइक करने के साथ ही बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा शिवानी जी आठ दिसंबर को एग्जाम है ना कोई दिक्कत नहीं है आठ दिसंबर को आठ दिसंबर तक पढ़ते रहिए और पीछे जो क्लासेज चल रही थी उससे काफी एक्स्ट्रा मेटेरियल के साथ वापस से स्टार्ट किया इसको योगेश जी जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स का बेच भी जल्दी स्टार्ट हो रहा है हां भाई बताइए आंसर क्या चेतन का आंसर आ गया बी केम सृष्टि का बी बाबा जी का बी सत्रह जून को गुरुवार है तो बीस दिसंबर को क्या वार होगा यह पूछ रहा है अभिषेक जी अभी अभी क्लास में आए हैं आप अभी अभी कैसे समझ में आ जाएगा यार तीसरा दिन है आज सेशन चलते हुए आप एक काम कीजिए आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि जो पीछे क्लासेज हो चुकी है आप उनको एक बार उनकी रिकॉर्डिंग देख ले यूट्यूब पे रिकॉर्ड रहती है क्लासेज एक बार उनकी रिकॉर्डिंग देख ले रिकॉर्डिंग देखने देख के बाद आपकी कोई समस्या नहीं आएगी इस टॉपिक में नहीं लाइफ में कैलेंडर में कभी समस्या नहीं आएगी और तो क्या कहें आपको जी अब देखो सत्रह जून को है गुरुवार सत्रह जून को है गुरुवार तो बीस दिसंबर को क्या होगा बीस दिसंबर को क्या होगा जून से दिसंबर के बीच में महीने कौन कौन से आ गए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर ये तो पूरे पूरे काउंट होंगे ठीक है जुलाई कितने दिन का होता है इकतीस इकतीस में से अट्ठाइस कम कर दिए तीन अगस्त भी इकतीस का इकतीस में से अट्ठाइस कम कर दिए तीन सितंबर हो गया तीस का 30 में से कम कर दिए दो अक्टूबर हो गया 21 का का में में से कम कर दिए नवंबर हो गया, तो का गया। जितने जितने सप्ताह निकल गए दोस्तों सात दो चौदह बच गया छह और सत्रह जून पहले वाले महीने के लेते बचे हुए दिन तो तीस में से सत्रह गया कितना तेरह और तेरह में सात एक कम सात जो सप्ताह बनते उनको हटाते जाना है बच गया लो दोस्तों छ और दो आठ आठ में सात दिन का सप्ताह निकल गया बच गया एक छ और तीन नो नो में बच गया दो तीन दो पांच और तीन आठ आठ में बच गया एक ये आपके टोटल शेष दिन हो गए कितने दो तीन और एक चार अब ये देखो चार दिन इस गुरुवार में गुरुवार गुरुवार में जोड़ने हैं या घटाने हैं सत्रह जून का देकर बीस दिसंबर का पूछा है तो दोस्तों जोड़ना है गुरुवार में चार जोड़ दो आंसर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा सोमवार सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखो एक चीज और समझ लो इसको थोड़ा सा और सीधा कर देता हूं कैसे 20 दिसंबर का पूछा ना दिसंबर का पंचांग महीना कौन सा होता है दोस्तों सितंबर तो 20 दिसंबर का वार वही होगा जो 20 सितंबर का होगा नहीं होगा क्या तो लो इजी हो गई कैलकुलेशन सत्रह जून का गुरुवार है तो बीस दिसंबर का मत करो बीस सितंबर का कर लो क्योंकि सितंबर और दिसंबर पंचांग के महीने होते हैं इनकी समान तारीखों का वार भी समान ही होता है मैंने कहा था पंचांग पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा पढ़ने का है ना अब लो जुलाई बीच में कौन कौन से महीने हैं जुलाई और अगस्त ठीक है जुलाई इकतीस का होता है इकतीस में से 28 गए तीन अगस्त भी इकतीस का होता है इकतीस में से 28 गए तीन सितंबर के बीस के बीस दिन लेने हैं बीस दिनों में सात सात दिन के दो सप्ताह निकल गए दोस्तों छह और जून के तीस दिन इसके बचे हुए शेष दिन लेने पीछे वाले के शेष बाद वाले के सेम है ना तीस में से सत्रह गया तेरह तेरह में सात दिन का एक सप्ताह निकल गया छह छह तीन नौ नौ का दो ये सात दिन का सप्ताह निकल गया और ये भी छह और तीन नौ नौ में से सात दिन का फिर एक सप्ताह निकल गया दो, दो चार शेष ये रहा चार शेष बोलो आया समझ में अरे आया कि नहीं आया हर चीज का यार दो दो तरीके तीन तीन तरीके बता रहा हूं फिर भी क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को जो लगातार क्लास ज्वाइन कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात पे एक लाइक तो बनता है कि सर वास्तव में जो पंचांग आपने पढ़ाया ना वो ब्रह्मास्त्र साबित तो हो रहा है यहां पर पंचांग नहीं पढ़ोगे टाइम खराब होगा टाइम ज्यादा लगेगा कैलकुलेशन भी ज्यादा ही होगी इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर दे दीजिए एक सेकंड का आंसर है अभिषेक मीणा जी कह रहे हैं अट्ठाईस ही क्यों घटाया अभिषेक जी सात सात दिन के जितने सप्ताह बनते हैं ना उनको अपने को हटाना है जैसे तीस दिन है तो तीस में सात चौक अट्ठाईस चार सप्ताह बन गए तो अट्ठाईस दिनों को निकाल दो जो बच गए उतने ही लेने जैसे मान लो नौ दिन होते तो नौ दिन में से सात दिन का एक सप्ताह निकाल दो मान लो सत्रह दिन होते तो सत्रह में से सात दूनी चौदह चौदह निकल जाते ऐसे करना है। ठीक है संदीप चौधरी का आंसर आ गया बी बहुत सिंपल सवाल है अभी भी हिंट और दे दिया जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बहुत बढ़िया लगभग सभी का आंसर बी चल रहा है टाइम कंप्लीट हो गया इसलिए मैं बता देता हूं दोस्तों 29 सितंबर का दिया है और 30 दिसंबर का पूछा है सितंबर और दिसंबर क्या होते हैं पंचांग के महीने होते हैं इनकी सेम तारीख का वार भी क्या होता है सेम ही होता है दोस्तों उनतीस सितंबर को क्या है 29 सितंबर को है रविवार तो 29 दिसंबर को भी रविवार ही होगा 29 सितंबर अगर रविवार है तो 29 दिसंबर भी रविवार होगा और 29 दिसंबर रविवार है तो 30 दिसंबर सोमवार बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया अब तो आप खुद भी सोचोगे कि सर वास्तव में यह चीज बड़ी काम की है है ना इस बात पे जितनों ने लाइक नहीं किया सभी के सभी लाइक करें मेरे सेशन का टाइम कंप्लीट हो चुका है अब सौरभ सर की क्लास है कंप्यूटर की तो आप सभी के सभी कंप्यूटर संगणक यंत्र पढ़ने का लुत्फ उठाइए वापस मिलते हैं कल शाम को सात बजे तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार जय हिंद